नाजरीन, क्रॉनिक किडनी फेलियर के एक पेशेंट का रिपोर्ट जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। हालांकि क्रिएटिनिन कम ही था, एक पेशेंट मेरे पास आए थे जिनका क्रिएटिनिन 3.79 था और उसके बाद एक महीने की वो दवा लेके गए थे, उसके बाद वो 2.9 हो गया। उसके बाद फिर वो अभी आए हैं माशाल्लाह, तो उनका क्रिएटिनिन 2.2 हो गया। अल्लाह अगर चाहेगा तो ये क्या डेढ़ महीने की दवा में इंशाल्लाह वो भी नॉर्मल आने के पूरे चांसेस हैं। इतना ही नहीं बल्कि यूरिया 58 था वो भी 46 हो गया। कहने का मकसद ये है कि ये जो है कोई भी एलोपैथिक दवा इस्तेमाल नहीं कर रहे, हालांकि मैंने कहा था कोई एलोपैथिक मेडिसिन कंटिन्यू करें, उसके बावजूद भी वो सिर्फ यूनानी मेडिसिन ही कंटिन्यू कर रहे हैं और मैं कहने पे जो है वो सिर्फ ब्लड प्रेशर की दवा कंटिन्यू कर रहे थे एलोपैथिक से। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ढाई से तीन महीने की दवाओं के अंदर इनका क्रिएटिनिन तकरीबन 90% नॉर्मल आ गया है। कहने का मकसद ये है कि यूनानी दवाओं में अगर क्रिएटिनिन 5 के अंदर अंदर पेशेंट आ जाते हैं और अपना इलाज शुरू कर देते हैं तो उनको बेहद फ़ायदा होता है। हाँ, पेशेंट का क्रिएटिनिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कभी कभी डायलिसिस की भी हम सहारा लेते हैं, उसके बाद दवाएं देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे डायलिसिस को अल्हम्दुलिल्लाह कम कर देते हैं।